दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम देखेंगे कैसे हम सी फेरर प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं थ्रू डीजी वेबसाइट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप गूगल पर आइए और गूगल पर टाइप कीजिए डीजी शिपिंग। आई रिपीट, डीजी शिपिंग। सिर्फ इतना ही आपको टाइप करना है और आप गूगल सर्च कीजिए। जैसे ही आप गूगल सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पे सबसे टॉप पे लिखा रहेगा www.dgshipping.government.in, डैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे, आपके सामने सेम डीजी शिपिंग का जो होम पेज है वो होम पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे टैब्स दिखेंगे, जिसमें से आपको ई गवर्नेंस टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ई गवर्नेंस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सी फेयर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप देखिए सी फेयर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है रेड बॉक्स में, उसको आपको क्लिक करना है। आप सी फेयर रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन पेज आएगा, जहां पर आपको अपना यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे, आपको लॉगिन करना है। आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जहां पर सी फेयर कॉलम में आपको अपडेट सी फेयर प्रोफाइल, अपडेट सी फेयर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर सेम प्रोसीजर है डीजी के जितने भी डॉक्यूमेंट जब आप अप्लाई करते हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे सीओसी रीवैलिडेशन हो, सीडीसी रिप्लेसमेंट हो, सीडी और जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, जीएमडीएसएस एंड एग्जामिनेशन, सबके लिए आपको सेम प्रोसीजर में आना है और सी फेयर कॉलम के नीचे जाके अपने रेस्पेक्टिव ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। तो फिलहाल हम अपडेट सी फेयर प्रोफाइल कर रहे हैं, तो हमें सी फेयर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम अपडेट सी फेयर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पर्सनल डिटेल्स का एक टैब खुल जाएगा, जहां पर वो आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, जहां इंडोर्स नंबर, आपका लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, देन नेशनैलिटी, गिवन नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है। देन आपको अपने एड्रेस डिटेल्स भरना है, वो आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस दोनों पूछेगा। उसके बाद आपका फिजिकल डिटेल्स वो पूछ रहा है, जो कि आपको आपके मेडिकल सर्टिफिकेट में से मिल जाएगा, जो कि डीजी अप्रूव्ड रहेगा, जो कि हाइट, आई, आइडेंटिफिकेशन मार्क, हेयर कलर, कॉम्प्लेक्शन। ओके, सो ये जैसी आपका फुलफिल हो जाए तो आप उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का टैब खुल जाएगा। ठीक है, अगर आपको सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो वो चीज़ सेव हो जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आना है तो आप ऊपर देख सकते हैं काफ़ी सारे टैब्स हैं, सी फेयर डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिटेल्स एंड मेनी मोर। तो अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में वो आपसे पूछेगा आपका बेसिकली जो आपकी क्वालिफिकेशन है, वेदर यू आर ग्रेजुएट और यू आर प्लस टू, सो वो सब डिटेल्स आपको इसमें भरने हैं। आपके पीसीए मार्क्स, आपका मेन सब्जेक्ट्स, इंग्लिश में आपको कितने आए, नेम ऑफ बोर्डिंग यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन एड्रेस, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब चीज़ें आप भर दें और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्लस टू का डिटेल यहाँ पे भरा, ऐड, अब ग्रेजुएशन का डिटेल्स भरा, ऐड। सो जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशंस है वो सब आपको एक बार भरना है, ऐड करना है, एक बार भरना है, ऐड करना है। ये जब आप ऐड कर देंगे उसके बाद आपके सामने एक टेबुलर फॉर्म में टेबल आएगा, जहाँ पर आपने जितनी भी डिटेल्स डाली हैं वो सब उस टेबल फॉर्म में आपको दिखेंगी, लाइक एजुकेशनल लेवल, मेन सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग एंड रिजल्ट एंड जो भी आपने डिटेल्स डाली वो सब आएंगी। तो सेम हर टैब में ऐसे ही है। अभी जब भी आपका हो जाएगा तो उसके बाद आप आइए आपका जो नेक्स्ट टैब है, दैट इज़ प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिटेल्स। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसके सब टैब्स भी खुल जाएंगे, जहाँ पर लिखा होगा प्री सी ट्रेनिंग डिटेल्स, मॉड्यूलर कोर्स, सी गोइंग सर्विस, पोस्ट सी ट्रेनिंग डिटेल्स, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग डिटेल्स। तो आपको एक एक करके सारे भरने हैं। सबसे पहले आप प्री सी ट्रेनिंग डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने सी फेयर प्री सी डिटेल का विंडो खुल गया है। ठीक है, सो अभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखना है आपको, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोई और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था वो लिखना है, कोर्स नेम आपको लिखना है, अटेंडेंट फ्रॉम डेट अटेंडेंट टू, कब से कब तक किया था वो लिखना है, सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, प्री सी टाबुक का अगर कोई नंबर है तो वो नंबर लिखना है आपको। ये मैंडेटरी नहीं है, जिस पे स्टार मार्क है, एस्ट्रिक मार्क, वही सब मैंडेटरी है। बाकी अगर आपके पास इन सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई कमेंट लिखना है और एमएमडी को कोई कमेंट लिखना है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है इसमें या कुछ आपका ऐसा कुछ है कि
एनी इशू रिगार्डिंग योर डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने मॉड्यूलर कोर्स का डिटेल्स का विंडो खुल जाएगा, जहाँ पे आपको अपने जितने भी आपने बेसिक कोर्स किए हैं, बिकॉज आफ्टर पीसी जब आप करते हो तो आपके पास सिर्फ बेसिक कोर्सेज रहते हैं, तो वो बेसिक कोर्सेज आपको इसके अंदर खुद फीड करने हैं। तो वो बेसिक कोर्सेज के कोर्स नेम, STCW कोड, जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे तो हर चीज़ आएगी आपके सामने। इसके अंदर ड्रॉप डाउन विंडोज़ ओपन हो जाएंगे, तो आप उसके अंदर से सेल्फ सर्टिफिकेट पे देख के सारी डिटेल्स यहाँ पर भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अभी सब एक 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 सर्टिफिकेट आपने भरा, फॉर एग्जांपल आपने फायर फाइटिंग भरा, एडवांस फायर फाइटिंग भरा, ये आपको टिल यू आर सर्व्ड इन मर्चेंट नेवी, ना आप कोई भी कोर्स करते हो, आपको यहाँ पे आके हर एक कोर्स का आपको यहाँ पे आके अपडेट देना पड़ता है। हर एक कोर्स का आपको डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ता है कि आपने क्या क्या कोर्स किया है, ठीक है। सो आपने ये भर दिया, उसके बाद आप ऐड करते रहिए, जितने 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 भी कोर्स है आपके पास सब इधर करके ऐड 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 करते जाइए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट दबाइए। नेक्स्ट दबाएंगे तो आपके सामने आएगा सी गोइंग सर्विस का विंडो, जहाँ पर आपके शिप के सब डिटेल्स पूछे, ऑफिशियल नंबर, IMO नंबर, फ्लैग, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, तो ये सारी डिटेल्स आप भरें इसके अंदर, ठीक है। और अगर कोई रिमार्क है उसके बारे में, आपको कुछ बोलना है, कुछ इशू है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिमार्क में। सर्विस कब से कब तक किया है, आर्टिकल ऑफ मंथ्स, आर्टिकल डेज, इसके अंदर सब कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। सो ये एक शिप का भरा ऐड दबाइए, दूसरी शिप का भरा ऐड दबाओ, तीसरी शिप का भरा ऐड दबाओ, तो ऐसे करके आपको जितना भी शिप्स आपने किए हैं, इट इज़ फॉर द लाइफ टाइम। जब जब भी आप एक शिप करके आओगे, आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना होता है, बिकॉज अगर आप प्रोफाइल अपडेट नहीं करोगे तो आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको CDC के लिए अप्लाई करना है, अगर आपका प्रोफाइल इनकम्प्लीट है आप नहीं कर पाओगे। COC रीवैलिडेशन के लिए करना है, आपका प्रोफाइल अनकम्प्लीट है आप नहीं कर पाओगे। तो हर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इधर मैटर करती हैं, तो आपको ये भरना पड़ेगा, प्रोफाइल आपको अपडेट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आ जाता है ऑनबोर्ड ट्रेनिंग का। ऑनबोर्ड ट्रेनिंग आपको SSTP का जो आपका सर्टिफिकेट है, जब आप 18 महीने की सेलिंग कंप्लीट करके आ जाते हो तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है SSTP, वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे उसका डेट लिखना है, उसका नंबर लिखना है, आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट से वो सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। अगर आपको कोई कमेंट है उसके बारे में तो आप कमेंट लिख सकते हो। देन ये हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आता है रेटिंग सर्टिफिकेट्स। अभी जो विंडो आया है वो सर्टिफिकेट्स का विंडो आया है, ठीक है। तो अभी रेटिंग सर्टिफिकेट, जो रेटिंग वाले हैं, मतलब उनको अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट डिटेल्स डालने हैं और वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा तो क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आता है सर्टिफिकेट एंडोर्समेंट। सर्टिफिकेट एंडोर्समेंट मतलब आपने जो भी अभी तक एंडोर्स कराया, लाइक योर DC, बेसिक, एडवांस, ऑयल, केम, योर GMDSS का, तो जितनी भी आपने एंडोर्समेंट चीज़ें कराई है वो सब आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो वो एक टेबुलर फॉर्म में सेम ऐड हो जाएगा आपके सामने और आपको सारी डिटेल्स दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट दबाइए। होने के बाद तो आपके सामने आता है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो आपके जब 18 महीने कंप्लीट हो जाएंगे एज इफ़ यू हैव डन PreC, तो आपको ये इसके अंदर आप कॉलेज करोगे, कॉलेज करने के बाद आपको COC जो मिलेगा, वो आपके COC की यहाँ पे डिटेल्स आपको डालनी है, अपनी सेकेंड मेड लाइसेंस की, फॉरन गोइंग की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, जो जो वो पूछ रहा है, लाइक सर्टिफिकेट नंबर, इशूड डेट, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट डिलीवर्ड, वैलिड अप टू अथॉरिटी एंड, ठीक है, जो जो है आपको हर चीज़ यहाँ पे डालनी है और ऐड दबाना है। एंड देन नेक्स्ट। नेक्स्ट दबाएंगे तो ऑथोराइज डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा था। हमारे पास ऑथोराइज डॉक्यूमेंट्स, हमारा CDC, हमारा पासपोर्ट, हमारा इंडोस, ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, और तीनों चीज़ फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट दबाना है। जैसे आप नेक्स्ट दबाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा, जहाँ पर वो आपको बता रहा है कि आपका जो फोटोग्राफ है और जो सिग्नेचर है वो उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए और वो कैसे आपको अपलोड करना है। बहुत मेन है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो एकदम क्लियर, वाइट बैकग्राउंड एंड योर सिग्नेचर, बहुत इसको आपको बहुत केयरफुली अपलोड करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत लोगों का इसमें प्रॉब्लम हो जाता है और फिर वो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स से अप्लाई नहीं कर पाते, देन उनको फिर वापस MMD में मेल करके, इंडोस सेल में मेल करके उनको हर चीज़ ठीक करानी पड़ती है, जिससे कि टाइम वेस्ट होता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो बहुत ध्यान से इंस्ट्रक्शंस पढ़ें और उसके बाद ही अपलोड करें अच्छे से। आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर हर 5 साल में रिन्यू होता है, ठीक है। तो आपको हर 5 साल में अपना फ़ोटो, नया फ़ोटो और अपना सिग्नेचर, नया चाहे वो चेंज हुआ या ना हो, बट आपको नया साइन करके, स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब आप साइन अपलोड करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप एक प्लेन पेपर पे साइन करते हैं, तो फुल पेपर को आपको स्कैन नहीं करना है, आपको सिर्फ उतना ही एरिया स्कैन करना है जहाँ पर आपने साइन किया है, वरना आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा और आपको वापस से आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद
अब यहाँ पे जो इसका सेकंड पेज है बेसिकली, जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो उस पर आपके लिए अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर आपको करना है। सेलेक्ट कीजिए फाइल, डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट कीजिए एंड देन फाइल सेलेक्ट कीजिए, अपलोड कीजिए। फिर आप जब सब आपका अपलोड हो जाएगा तो आपको आपका फ़ोटो और आपका साइन भी नीचे दिखेगा टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। ये होने के बाद अभी चलते हैं, जब आप ऊपर देखोगे हमारे जो टैब्स आते हैं तो उसमें एक क्लिक टू व्यू एंड प्रिंट योर प्रोफाइल करके भी टैब आता है, आप उसको क्लिक करोगे ना तो आपके सी फेयरर प्रोफाइल जो है ना, जो भी आपने डिटेल्स भरा है अभी तक, टिल योर फोटो तक, सिग्नेचर तक, जितना भी आपने डिटेल्स भरा है, आपके सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक PDF फॉर्मेट में आपके फ़ोटो के साथ, आपके सिग्नेचर के साथ आपके सामने ओपन हो जाएगी इन अ PDF फॉर्मेट, ठीक है। सो वो कभी कभी आप MMD में जाते हो तो चाहिए रहता है, तो आपको वो किस डॉक्यूमेंट में चाहिए वो आपको बताएगा। अगर आपका सी फेयरर प्रोफाइल पूरा मांग रहा है तो आपकी फुल डिटेल्स आ जाएंगी जो जो आपने यहाँ पे भरा है डिटेल्स में, ठीक है। उसके बाद आता है मास्टर चेकर। मास्टर चेकर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मास्टर चेकर में जो कंपनीज होती हैं वो हमारा सी टाइम डालती हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो जो भी आप कोर्स करते हो वो कोर्स वहाँ पे वो अपडेट करते हैं। तो जब भी आप बाहर कोर्स करते हैं तो जब जो लास्ट दिन होता है कोर्स का, कोर्स ख़त्म होने से पहले आप ज़रूर अपना मास्टर चेकर खोल के चेक कर लीजिए कि इंस्टीट्यूट ने आपका सर्टिफिकेट अपलोड किया है कि नहीं किया है, बिकॉज आगे आप कुछ भी अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो उसके बाद एक चीज़ और, अगर आपको कुछ करेक्शन कराना है, तो अपडेट सी फेयर प्रोफाइल के नीचे रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल डिटेल्स करेक्शन इन सी फेयर प्रोफाइल का एक विन टैब है, ठीक है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या चेंज कराना है, तो आप उसके अंदर लिख सकते हो, मतलब एक जो आपकी डिटेल्स है बाजू में प्रपोज चेंजेस, आपको क्या क्या चेंज कराना है, तो आप वो जो चेंज कराना है आप लिखो उसमें चेंज कराना है और सबमिट कर दोगे, और या तो फिर आप इंडोस सेल को मेल कर सकते हो और अपना करेक्शन रिजॉल्व करा सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों अगर किसी को अभी भी डाउट है सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स, मैं ट्राई करूँगा पूरा आंसर करने के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना सी फेयर प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो और उसको हमेशा अपडेट रखना चाहिए, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, बाय बाय।